Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम अल्यूम गोट फार्म द फीडिंग सेक्शन। माशाल्लाह वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू सी द फीडिंग सिस्टम ऑफ अल्यूम गोट फार्म विथ मंसूर भाई। Assalamualaikum। मंसूर भाई, जैसे बाज़ मरतबा मैं बताता हूँ कि काफ़ी लोग अपना फीडिंग शेयर नहीं करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से कि आप शेयर करें माशाल्लाह। और ये आपका जो फीड है अभी, इसके चर्चे माशाल्लाह पूरे इंडिया में आज। तो ये आइडिया क्या है और क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये अपना ठंडी का मौसम के लिए अपन ने बनाया है जी। इससे क्या होता है, सब गर्मी जो गर्म की आइटम है ना, सब वही ज़्यादा यूज़ किया अपन ने, सब गर्मी जो गर्म मिले वही हिसाब से अपन ने वही आइटम सब डाले। एक तो गर्मी मिले ताकि वो सर्दी ये सबसे बचे रहे, उसका जो मजबूत रहे जी। इसके अलावा वेट गेनिंग में कितना कारगर है? बहुत अच्छा बोले तो उनको इंशाल्लाह फ्रेंड बिफोर और आफ्टर भी बताएंगे इंशाल्लाह बाद में, आपको है ना मालूम पड़ेगा। सही है, दिखाएंगे। और उसके लिए आपको इनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। एंड अभी ये बनाएंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ में रजत भाई भी हैं। रजत भाई, आप जब कुछ भी कर रहे तो थोड़ा सा बोलते भी रहिए तो लोगों को पता चले। राइट, ये तो काफ़ी बकरों के लिए है, अगर आप कम बकरे पाल रहे तो उसके हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर ले। ये क्या चीज़ है भाई? मिक्स ग्रेन आटा है। मिक्स ग्रेन आटा जी, सही है, ये इंसानों को नहीं मिलता है आज, हम बकरों को दे रहे माशाल्लाह। ये रवा है, रवा सब इजीली अवेलेबल मिल जाता है भाई, एकदम इजीली मिल जाएगा। ये भी रवा है जी। रवा में खाली एक्चुअली मेरे पास दो किस्म के रवा है जी, सादा है और एक केसर वाला है। एक केसरी रवा जी, बिल्कुल कलर डिफरेंट है उसका। हाँ। तो हमने मल्टी ग्रेन आटा, उसके बाद में दो तरह के रवे डाले हमने, कोई किसी को एक भी मिले तो भी चलेगा। हाँ, चलेगा। सादा अवेलेबल है इसके लिए। उसके बाद ये जवार का आटा है, जवार का आटा, जवार भी माशाल्लाह बकरे को खिलाया जाता है, उसका आटा है। दूसरा एक बाजरी का आटा, बाजरी क्योंकि सर्दी का वक्त है तो उसके लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। अगेन थोड़ा जवार का आटा, क्योंकि ज़्यादा बकरे तो हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाई गई हर चीज़ की। गाने के बाद फौरन ये दिया जाता है कि पहले वो गीला वाला दिया जाए? पहले ये देंगे फिर गीला देंगे। अच्छा, ये क्या डाला हमने? ये भी चेस्टनट करके फ्लावर है, ये भी आटा ही है भाई। अच्छा, चेस्टनट नाम है इसका। इसको हिंदी में क्या बोलते पता है आपने को? सिंग दाने का आटा, चेस्टनट आई थिंक काजू को भी बोलते आई थिंक, है ना। सही है, वाटर चेस्टनट बेसिकली वो अपन लोग बोलते हैं ना इसको, अपन मालूम सिंगाड़ा, सिंगाड़ा जो बोलते हैं। हाँ, सिंगाड़ा काले कलर का रहता है, जो अपन उबाल के अपन गर्मी में खास करके ठंडी में अपन खाते हैं वही आटा, उसका कुछ स्वाद ही नहीं होता है ना। ये खाली अपन अभी अपन इसके लिए डाल रहे कि अपनी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है जी। ये वही रवा ही है, ये रवा ही है, सब रवा ही है एक्चुअली, रवा ही है। और ये गवार का आटा ज़्यादा होगा। तो बेसिक इंग्रेडिएंट भाई, मल्टीग्रेन आटा, जवार का आटा, बाजरे का आटा, वाटर चेस्टनट का आटा, है ना, ये चीज़ें मेन हैं। और रवा, हर तरीके का आटा मिला दिया गया है दोस्तों। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अच्छा, एक और जवार का आटा बचा हुआ था। या आप हर साल करते थे फर्स्ट ईयर की? हर साल करते थे, पहले इसको मैं दिखाता थी ना। हाँ। अब दिखा रहा हूँ। सही है, नहीं दिखाना ज़रूरी है भाई, ये अपने सिंग है, नॉर्मल सिंग, नॉर्मल सिंग है, भुने हुए सिंग है, अपने दाना मेथी, मेथी दाना, ये भी गर्म चीज़ है, ये अपनी कलौंजी है, कलौंजी जिसमें शिफा है, ये
वॉलनट है, वॉलनट जिसको अखरोट भी कहते हैं, इसको क्रश करके डाला के हाथ से, ज्यादा क्रश नहीं करना है इसको। वाह, अब इसमें पानी ड्राई फ्रूट, क्या क्या ड्राई फ्रूट्स है इसमें? सब मिक्स है भाई, इसमें अंजीर है, बादाम है, अखरोट है। तो उसको सुखाया जाता है क्या भाई पानी नहीं, असल में ये क्या, मैंने एक साथ रख दिया ना, मैं तो किशमिश का पानी छोड़ दिया। अच्छा, इसके लिए वो तकलीफ हो रही है, इसके लिए अभी धो के हाँ यूज़ कर लेंगे। एक बार और बोलेंगे आप क्या क्या है उसमें? सब मिक्स, मतलब मैं जब लेने जाते हैं अपने लिए सब मिक्स, टूटे फूटे हाँ, जो काजू के क्रश होते हैं सब मिक्स रहते, मिक्सर ही बोलते हैं इसको। अच्छा, सब वही है इसमें। आलू बुखारा भी, आलू बुखारा भी है, किशमिश है, तुम्हारा काजू है, बादाम है। क्या बोलते हैं यू भाई, वांट टू ट्राई, ट्राई करना चाहते हो आप? सूखे काजू है, गिल्ले काजू भी है। सब है। वाह, क्या बात है। एंड अगेन वो स्मेल की बात करूंगा मैं, जो लास्ट टाइम भी किया था मैंने, काफी अच्छी स्मेल आ रही है। मैन अरोमा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है भाई, लोग सुन भी देखो कि होटल में जाते हैं अच्छा लगे कौन सी डिश की खुशबू है, सही है, अपन एक अट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर खाने में। सेम फंडा इस हफ्ते बकरों का भी, ये 40 माल का एक मुस्ता है। माशाल्लाह, सबको मिक्स कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। कितने लड्डू बनाते हैं हम इससे इतने इंडियन? अभी अपन ने जो इतने डाले ना, इंशाल्लाह 18 से 19 किलो का आइटम हो जाएगा ये जी, अब वजन करेंगे तो। और ये अपने पूरे फार्म का अलहमदिल्ला पूरी है, पूरी जाते हैं मोस्टली 180-185 लड्डू होते हैं। और एक बकरे को एक ही देते हैं? एक ही देते हैं, और जो बड़े हैं उसको दो दो। ज़्यादा खिलाएंगे ना सिम्बा तो उसको जुलाब हो जाए, जुलाब हो जाए, तो हर चीज़ का ख्याल रखना। नाउ द वाटर विल गोइंग, सो विदाउट फेल ये पूरा महीना चलने वाला है। हाँ, जब तक ठंडी है इंशाल्लाह तब तक मिलेंगे। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कॉस्ट, नथिंग, एवरी गुड विल, सब बकरे को मिलेगा, भलाई के उसके भी जो अपने हैं उनको भी मिलेंगे। जब आपने बकरों को नया नया चालू किया रहेगा तो वो पहले तो बहुत नाटक करते, नाटक किए उन्होंने, उसके बाद एक बार आदत हो गई ना हाँ, तो फिर एकदम तो अडेप्ट हो जाते हैं। और इसमें लास्ट में अभी अपन एक राई का तेल डाल देंगे, तो आज चिकनाहट रहे वो हिसाब से। वाह, बिल्कुल जैसे आटे को गूंथते हैं वैसा गूंथना पड़ता है। मेडिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? ह्यूमिन सबसे अच्छा होता है बकरों में, मेन जैसे देखा था ये मौसम में लकवा वगैरह आम बात है, तो इससे क्या गर्मी, हाँ गर्मी में बोलो ना, मेन उसका ही फोकस है कि आज अपना बकरा गर्म रहे जी, इंशाल्लाह ये सब बीमारी से दूर ही रहे इंशाल्लाह। ये लास्ट एक आइटम है जी, अपन भूल गया था दिखाना जी, ये हलीम है, हलीम से भी गर्मी भी ज़्यादा होती है जी बकरों को इससे। सही, और मैंने जो सुना वो मैं बता देता हूँ, ये मेरी तरफ से बता रहा हूँ, इसको आड़ू भी बोलते हैं। अच्छा। जयपुर में लोग है ना भाई इसको यूज़ करते हैं बकरों की हाइट बढ़ाने के। अच्छा। इसको पीसना होता है मिक्सर ग्राइंडर में जी, और इसको दूध में देते हैं, एक चम्मच दो चम्मच ऐसा,
रोज देना पड़ता है इसको। बकरे छोड़ो, इंसानों की हाइट बढ़ी है इससे। कुछ लोगों ने ट्राई किया था मुंबई में, पर यू नो ये एक नुस्खा ही है। सो ये भी मिक्स किया गया है इसके अंदर, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से आपको एक एक चीज़ दिखाई जा रही है, कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर जो आपको छुपाई नहीं जा रही माशाल्लाह। एक एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ना पलाई पे बकरे रखना, एक बहुत भरोसा करते लोग आप पे, काफ़ी दूर दूर से लोग आके बकरे पलाई पे रखते हैं। अभी अलहमदुल्ला हैदराबाद से आ रहा है भाई जी, वहाँ लड्डू देख के। अच्छा, वो हैदराबादी बकरा है? नहीं नहीं, बकरा है उसका पंजाबी। अच्छा, अपने पास भेज रहे हैं फॉर लड्डू, वो भी फार्म वाला है भाई। हाँ, फार्म वाला ही है। सही है, अलहमदुल्ला। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया गया दोस्तों। सो दोस्तों, लड्डू का जो बनाना था डो वो बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, और अभी एक एक बॉल बन रहा है माशाल्लाह, अच्छी बड़ी साइज़ का बॉल बन रहा है। ये टब भी ले ले बेटा, बड़ा वाला। इनका टाइम एकदम ये परफेक्ट ही है ना, ये तो सब वेट करते रहेंगे अभी। खाली रजत भाई अंदर जाएंगे तब आ जाएंगे। रजत भाई, वैसे तो बहुत बकरे आप पर नोटिस तो करते होंगे, सबसे ज्यादा कौन सा बकरा पसंद करता है लड्डू इसमें? हाँ, जो अपने वहाँ देखे ना बड़ा वाला। हाँ, सरदार। हाँ, नाम सरदार रखे, सरदार नाम है वो। ही लाइक से सबसे वो लाइक करता है। लाइक तो सभी करते हैं, अभी देखेंगे सब लाइक करते हैं। सरदार को तो ज्यादा देना पड़ता होगा भाई। कोई डिसलाइक नहीं करता, सब डिसलाइक नहीं करता, कोई भी बोल रहा है। ओह, सही है, सही है रजत भाई। चलिए, चारों तरफ से प्रिपेयर हो रहे हैं अभी, नाउ इट विल बी फास्टर। दोस्तों, वी आर ऑलमोस्ट डन माशाल्लाह, वाह वाह वाह। सबसे लास्ट लड्डू थोड़ा छोटा बना है कोई। चलिए, यह सेकंड पार्ट में दे देंगे, बहुत अच्छे। सो विल स्टार्ट नाउ, हम लोग अंदर जाते हैं। जी आइए। तो आपकी आवाज़ से सब आ गए रजत भैया। ये सेकंड उसके लिए आ रहे हैं ना फिर जाके, सेकंड आ रहे हैं उसके लिए। माशाल्लाह, इट्स काइंड ऑफ अ चॉकलेट फॉर देम, छोटे बच्चे जैसा करते हैं ना चॉकलेट्स के लिए। अमेजिंग।
तो मनसूबा केयर टेकिंग पलाई तो अपनी जगह पे, और जब वो इतना प्यार मोहब्बत से की जाए तो और मज़ा आ जाता है। मज़ा क्या कभी आता है ना असीम भाई, बकरे शौक से खाते, अपन जो मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट अपने को मिल रहा है, बकरे भी उसका साथ दे रहे हैं, तो मेहनत करने में और मज़ा आ जाएगा। सही, खाना तो मेरे को लगता है हर फार्म वाले खिलाते होंगे, ऐसा नहीं, पर जिस हिसाब से मैं यहाँ देखता हूँ जो चाहत है बकरों के अंदर भी ना खाने को लेकर, समय से वेट गेनिंग बढ़ना चढ़ना उतरना तो अल्लाह के हाथ में, पर आपकी मेहनत है कि खिदमत करना है। सही है, नया बकरा आया था ना, पर मुझे यकीन है रजत भाई उसको छोड़ेंगे नहीं, बाद में आके जरूर उसको खिलाएंगे। ये देखा, वाह अमेजिंग निकल गया लेके, वो उसको फिनिश करेगा फिर आएगा। वो बत्तीसा पे आप लोग नज़र बनाए रखिए, देखिए आ गया वहाँ, वो बिल्कुल ख़त्म करके आ गया यहाँ पर। हाँ वो उसका सेकंड भी हो गया बत्तीसा का, देखिए पर थर्ड के लिए फिर वेट कर रहा हूँ। कौन सा, ये बच गया, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बाकी लोग तो वो थोड़ा डर रहा है। देखा नहीं बाजू वाला काटेगा उसको, बाजू वाला पर रजत भाई ने सबको संभाल लिया एंड इवेंचुअली उसने खा लिया माशाल्लाह। तुम बहुत नटखट है ये, हाँ ये हम ये देखो ये बत्तीसा चौथे के लिए खड़ा है, तो ये हम्प वाला फिर इधर आ गया। छोटे बच्चों को एकदम आराम से खिलाना पड़ता है। बरबरी भी आ गए बेचारे, ये खानों खाने को लेके देखिए आप उनका शौक माशाल्लाह। हालांकि अभी इन्होंने दाना खाया है बेसिकली, जो इनका बेसिक दाना है पूरा ख़त्म हुआ है, हमने ट्रे साफ नहीं की ना, ये पूरा वैसे ही रहेगी, वैसे ही है। इसको सीधा भी बिरयानी डालेंगे इसके बाद। कुछ बकरे तो रियली दीवाने हैं इसके। हाँ तो अभी यही कंटिन्यू चलेगा फॉर अंडुल्स के लिए जी, ठीक है। मेरे पास नहीं है लड्डू, सब बकरे एकदम तहलका मचा रहे हैं फॉर लड्डू। फुल फंबल होके
यहाँ वहाँ जाके मेरे को वीडियो बनाना पड़ा है, चारों तरफ देख सकते हैं हमले हो रहे मेरे ऊपर। अमेजिंग, यू एंजॉय। तो वो खुद खा लेगा, खा लिया उसने। मेंढे के लिए तो वो एक आधा सा निवाला था। वो ये दुम्बा है, ये इसके लिए भी बहुत छोटी सी बात होगी। हाँ देखो, खत्म खत्म, खलास बेटा, मार मत मेरे को। इसके लिए भी काफी आसान होगा ना खाना, देखो मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये अच्छा, इसको इसको पसंद ही नहीं है। आ रहा खड़ा हुआ, लेट्स ट्राई, देखते ट्राई करके। हाँ देख रहा हूँ मैं, आज आज आप आया किस लिए खा रहा हूँ। हाँ वो मेरे आने की खुशी में लड्डू बांटे गए जयपुर बकरा मंडी में। चलो मुबारक हो आपको, आपने खाया आज। इनका हो गया फिर भी यहाँ पर। चल बदीर के लिए भी बहुत छोटी सी बात थी इसको खाना। तो आप इसमें आके खाएं, वो खुद ही खाता है अपने, धीरे धीरे खाता है। हालांकि मेंढे फास्टर होते हैं, पर ये आराम आराम से खाता है। एक पैर भार है वो, 120 किलो है। कितना है इसका वजन, कितना है? 100 भाई, वो आधा भार आ गया था मंसूर भाई। माशाल्लाह, क्या बात है। थोड़ा घाई करते हैं बकरे, उसमें गिर जाता है कभी कभी। खा बेटा आराम से। वो देखो यहाँ तक आ रहा है आपका। वाह 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 वाह, एक मस्ती नहीं। चलो एक खिला दो। चलो मेरी तरफ देखा, अभी फिर भी नहीं चैन हो रहा इसका। चलो बाय। लगा नहीं था बरबरा एक ही उसमें ढकल लेगा। नीचे रख दो, खा लेगा ना। खा बेटा खा, नीचे। कोटा और बोर बराबर लेते हैं मुंह। हाँ वाह, और रजत भाई हाथ से खिलाने से बकरे एग्रेसिव भी नहीं रहते हैं ना, और मतलब प्यार करते हैं उसमें, अच्छा लगता है। दुम्बा
ले गया। मेंढू खाता है अच्छे से? स्लो खाता है, खाता है इसको, उसमें डालना पड़ता है। आ बेटा इधर खा ले, आओ सही, अभी अपना आराम से खा लेगा। ए झगड़ा मत कर बरबरा, मुंह पे लगते ही स्वाद आता है। चल मंसूबे हाथ से खिलाना बेटर है, अगर ऐसे दे देंगे तो कोई ज्यादा खा लेगा, ज्यादा खा लेता है, कोई कम खा लेगा, ऐसा ये बात समझ में आई है कि कुछ जिसको ये बहुत पसंद है ना, ये तो मुझे लगता है 20-20 भी खा लेगा शायद, जैसे वो आपका सबसे बड़ा बकरा सरदार। और भी ऐसे काफी बकरे थे जो मैंने देखे, और कुछ बकरे जो स्लो खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं। ये नेक्स्ट बाड़ा है जो बिल्कुल रेडी है, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद है वो सबसे आगे आके खड़े हो जाता है। लेकिन अजय भाई तो चीटिंग है, आप सेकंड वाले को पहले खिला रहे हैं। वो घूम के आएगा इधर, ये कौन एक नंबर था, तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उसका नाम क्या, घोड़ा, ये स्लो खाता है थोड़ा। ये भी रेडी हो रहे सब खाने, बकरियों को भी दिया जाता है ना। गाबन बकरियों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है खाते गरम सब कुछ? माशाल्लाह सबसे बड़ी सिंह का कोटा, माशाल्लाह जबरदस्त क्वालिटी में। ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं ना उसके मुंह में, अच्छा चबा रहा हो। छोटे बच्चों को हम लोग तोड़ के भी डाल देते हैं ताकि वो आराम से खा लें। देखो ये एकदम रेडी है,
लड्डू बचाए हैं, दो बकरे वगैरह उनके लिए, न्यू एंट्री है उनकी। सही है, चलिए उनकी शुरुआत करते हैं लड्डू से। तो ये नया बकरा है, तो इसको वेलकम वेलकम स्वीट दिया जा रहा है। पहले दिन खा रहा है तो उसको देखते थोड़ा उसको मज़ा लगेगा तो ही विल हैव इट। खा तो लिया है माशाल्लाह। सिंग चेक कर इसके माशाल्लाह, ये भी एक न्यू एंट्री है। ओ माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। हमने पूरा एक वॉक किया जी। और काफ़ी मज़ा है देख के बकरों को भी उतना ही इन्जॉय हो रहा है जी। है ना, सो ये न्यू रेवोल्यूशन है मैं तो बोलूँगा, जो आप दिखा रहे हैं लोगों को फील एंड ऐसा रिजल्ट्स भी है। तो मैं लोगों से कहूँगा कि पलाई के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अल्यूम गुड फार्म, उसके लिए आपसे कॉन्टैक्ट कर लें। और आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और लोगों से ये भी कहूँगा कि आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें विच इज़ अल्यूम गुड फार्म, उस पर डेली के अपडेट्स होते हैं और खाने के रिलेटेड बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप इंस्टाग्राम भी एक्टिवली फॉलो करें है ना, तो वो भी अल्यूम गोट फार्म के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम।